नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम डेरा सच्चा सौदा से आपको सीधी बातचीत दिखा रहे हैं जनता के साथ। जो जनता आज भी डेरा सच्चा सौदा संस्था में पहुंच रही है, उनसे भी जानते हैं कि उनकी कितनी आस्था कितना विश्वास है। आज सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा के साथ। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? शुभ नाम जी बिमला देवी। बिमला देवी जी, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आ रही हैं? 24 साल से आ रहे हैं। मैम आपका परिवार भी आता है? हाँ, सब परिवार आता है मेरा। मैम आपके घर से बेटियां हैं, वो भी आश्रम में आती हैं? हाँ, मेरी बेटियां भी आश्रम में आती हैं। मैम आश्रम में बेटियों को लेकर सुरक्षा कैसी है? बहुत अच्छी। कभी आपने ऐसा देखा 24 सालों में जो मीडिया में दिखाया जा रहा था, जो टीवी में दिखाया जा रहा था? बिल्कुल नहीं। फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर, उन सब के बारे में क्या कहना है आपका? देखो, वो तो अपनी हर युग में संता के ऊपर, इतिहास में जब भी कोई पन्ना उठा कर देखते हो, संता को ऊपर ऐसा है कि चढ़ फेंका जाता है। लेकिन वैसे हमारी समझ से तो बाहर ही बात है। आपको क्या लगता है संत जी का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है? बहुत अच्छा, वो तो रब है, खुदा है, वो तो इंसान तो है नहीं। क्या महसूस किया आपने ऐसा जो आप उनको आज अपनी जिंदगी में भगवान का दर्जा देते हैं? बहुत महसूस किया, बहुत कृष्मे हुए हमारे साथ। नरक जैसी जिंदगी को हमारे सतगुरु ने बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना दिया। हमारे परिवार में बिल्कुल सुख शांति, बेटा है, बेटी, दामाद, सब परिवार हमारे जुड़े हुए हैं, मेरे भाई बहन। हमारी तो पूरी प्रणाली तीन चार पीढ़ियों से हम तो जुड़े हुए हैं मालिक से, तीन पीढ़ियों। आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया संत जी के साथ जुड़ने के बाद? बहुत बदलाव आया, ये मतलब बता रही थी भी स्वर्ग नरक का स्वर्ग बन गया, स्वर्ग जन्नत हो गया घर में। संत जी का काम क्या करते हैं, मतलब समाज के लिए, लोगों के लिए क्या काम करते हैं? नशे छटवाना, बेसाओं को बेटी बनाना, और नशों में हमारे तो घर नरक बन चुके थे। मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत शराब पीते थे, नरक था घर में बिल्कुल। इसीलिए तो रब हैं, दर्शन दिए, हमारी बीमारी काटी। अब आप कोई नशा आपके घर में, कोई ऐसी तकलीफ आपके परिवार में? ना कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल स्वर्ग जन्नत बन गया हमारे तो परिवार में। बेटा भी मेरा बहुत सेवा करता, बहुत मानता, और मेरे हस्बैंड भी बहुत सेवा करते हैं, मानते हैं, समाज सेवा करते हैं। क्या आपको लगता है संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा की अब समाज को ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है समाज को, पिताजी की बहुत ज़रूरत है। समाज बहुत पीछे जा लिया, नशा में लिप्त हो गए, और इतनी तेज़ी से नशे छटवा रहे थे, सबके लिए बहुत घाटा पड़ता जा रहा है सतगुरु की वजह से। 4 सालों में प्रभाव क्या लगा आपको उनके ना रहने से, क्या प्रभाव? बहुत मतलब लाले बहुत पीछे चले गए, जिन बहुत बहने से तड़फ रही हैं, हमारे घर में ऐसे नशे हैं, तो उनको बहुत ज़रूरत है सतगुरु जी की। क्या अपील करना चाहोगे, क्या मांग करोगे आप सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे सतगुरु जी को मतलब आना चाहिए दरबार में, भेजना। मैम एक ये सवाल और ऐड करना चाहूंगी, जो दूसरी तरफ संत जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे समाज को उनके बारे में? उनके बारे में क्या, उन क्या कहना चाहूँ, बस हमारी तो जबान नहीं उठती उनके बारे में। जो इतने भले काम करते थे, उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए, क्या कहना चाहते हैं? बस शैतानों को तो भगवान ने देखा, हम तो क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज भी जनता भगवान मानती है संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा को। इनकी अपील है कि संत जी समाज में आने चाहिए। इनका कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वो हर युग में एक सच्चे इंसान, एक सच्चे जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, जो समाज का नशा छुड़वाता है, उसके ऊपर हमेशा लोगों ने ऐसा ही किया है, ये जनता का कहना है। और ये अपील कर रही हैं सरकार से भी कि संत जी समाज में वापस आएं। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए सच्ची बातें। चेक्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।